हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन अम्ब्लिका अफेंसियलिस के बारे में। दोस्तों, अम्ब्लिका अफेंसियलिस को हम जो है आंवला के नाम से भी जो है जानते हैं। कहते हैं कि आंवला जो है भगवान विष्णु का बहुत ही जो है प्रिय फल है। भगवान जब सोकर उठते हैं तो इसी आंवला का यानी कि अम्ब्लिका अफेंसियलिस का जो है सेवन करते हैं, और जो उनके भक्तगण हैं यही उनको जो है चढ़ावे में चढ़ाते हैं। दोस्तों, यह जो है औषधि जो है बहुत ही जो है उपयोगी औषधि है, और यह जो है हमारे सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक जो है बहुत सारे रोगों में जो है फ़ायदा करती है। दोस्तों, इसी औषधि के बारे में हम आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यह होम्योपैथिक दवा यानी कि अम्ब्लिका अफेंसियलिस जो है हमारे शरीर के किन किन रोगों को ठीक करती है, और इसको हम लेकर के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा जो हम आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवा अम्ब्लिका अफेंसियलिस के बारे में। दोस्तों, अम्ब्लिका अफेंसियलिस जो है हमारे बालों के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस औषधि को हम आंवला के भी नाम से जानते हैं। आंवला जो है इसमें जो है विटामिन सी जो है पाया जाता है, इसलिए यह हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं या बाल जो है चकते के रूप में उड़ते जा रहे हैं, एलोपेशिया की शिकायत हो रही है, तो आंवला जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंवला का सेवन यानी कि इस होम्योपैथिक दवा का सेवन मदर टिंचर के रूप में अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारे बाल का झड़ना ठीक हो जाता है, और बाल अगर कहीं से उड़ गया है यानी एलोपेशिया की शिकायत हो गई है तो अभी जो धीरे धीरे जो है आ जाती है। इस दवा का उपयोग हम मदर टिंचर में नारियल के तेल में मिला करके भी जो है कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है बाल के जो है बाद हमारे जो है आँखों में भी जो है बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, अगर हमको जो है आँखों की समस्या है, हमको दिखाई कम देता है और हमारे जो है आई विज़न कमज़ोर हो गई है, तो इस होम्योपैथिक दवा यानी अम्ब्लिका अफेंसियलिस को अगर हम 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम उपयोग करें तो धीरे धीरे जो है हमारे जो है आँखों की ज्योति जो है बढ़ जाती है। अब दोस्तों आते हैं कि अगर हमको सर्दी जुखाम बराबर हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर वीक है, तो इस औषधि का उपयोग अगर हम करें तो धीरे धीरे हमारा सर्दी जुखाम ठीक हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है मज़बूत हो जाती है। दोस्तों, यह हमारे जो है जनरल वाइटलिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर हमको बहुत वीकनेस महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो अगर इस दवा का सेवन हम नित्य जो है 10 बूंद आधा कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करें तो धीरे धीरे हमारी वीकनेस दूर हो जाती है और हमको जो है हमारी जनरल वाइटलिटी भी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों, अगर हमको जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, हमारे मसूड़ों में सूजन हो जाता है, पायरिया की शिकायत है, मुंह से खून आता है, तो यह औषधि जो है बहुत ही कारगर है। दोस्तों, इसको हम 10 बूंद आधा कप पानी में लेकर के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर जो है 1-2 महीने तक सेवन करें तो धीरे धीरे जिंजिवाइटिस यानी मसूड़े से खून आना, पायरिया की शिकायत, मुँह से बदबू, ये सारी समस्याएँ जो है ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, यह औषधि हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही कारगर है। अगर आपकी जो है बीपी ज़्यादा रहती है तो इस औषधि का उपयोग करें, बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। डायबिटीज़ में भी जो है ये काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इस औषधि का रेगुलर सेवन करें, धीरे धीरे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा, शुगर लेवल जो है नियंत्रित हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो भी यह औषधि यानी कि अम्ब्लिका अफेंसियलिस जो है आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, और आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो गई है उसको जो है कम करता है। आप धीरे धीरे काफ़ी मोटे हो गए हैं, आपके अंदर ऑब्सिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, शरीर बहुत जल्दी फैल जाता है, तो ऐसे केसेस में आंवला का यानी कि अम्ब्लिका अफेंसियलिस का रोल आता है। अगर आपका सेवन इसका जो है इस औषधि का रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है
मोटापा से छुटकारा मिल जाता है और आप जो है धीरे धीरे स्लिम और स्मार्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर हेयर फॉलिंग की शिकायत है तो इसको आप नारियल तेल में मिला करके भी जो है बालों में लगा सकते हैं और पानी में 10 बूंद डाल करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सेवन कर सकते हैं। आपके बाल अगर बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हों तो उसमें भी अम्बिका ऑफेंसियलिस बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इस औषधि का उपयोग लगातार 4 से 6 महीने तक करें, आपके जो सफ़ेद बाल हो रहे हैं वो धीरे धीरे रुक जाएंगे और उनसे जो है जगह जो है अंदर से काले बाल आ जाएंगे। दोस्तों, यह एक ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है। अगर आपके खून में जो है गंदगी हो गई है, आपको फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस औषधि का उपयोग अगर हम रेगुलर करें तो धीरे धीरे आपका जो है खून साफ हो जाता है और फोड़े फुंसियाँ भी जो है ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, यह औषधि आपके फोड़े फुंसियों को तो ठीक करता ही है, साथ में आपको एक्जिमा, सोरियासिस या किसी प्रकार का स्किन डिजीज है उसको भी जो है यह ठीक करता है। दोस्तों, अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको गैस की समस्या है, आपको कब्ज है, तो भी इस औषधि का उपयोग यह देखा गया है अम्बिका ऑफेंसियलिस जो है पेट के जो है रोग में काफ़ी अच्छा वर्क करती है, आपके कब्ज को दूर करती है, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम को ठीक करती है, आपको अगर खट्टी डकारें आ रही हैं उसको भी जो है ठीक करती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको भी जो है यह जो है दवा ठीक करती है। आपको अगर इंडाइजेशन की वजह से वोंटिंग टेंडेंसी हो रही है या खट्टी डकारें आ रही हैं तो जो है ये जो है औषधि जो है उसको ठीक करती है। अगर आपको कब्ज है, डायरिया की शिकायत है या पेट में मरोड़ हो रहा है, आँव आ रहा है, तो इस औषधि का उपयोग अगर आप करते हैं आधा कप पानी में लेकर के 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर रेगुलर सेवन करें तो कब्ज, एसिडिटी, म्यूकस आना, ये सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, यह एक गुड ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है और आपके खून को जो है साफ करता है, स्किन को आपके जो है नरिशमेंट देता है और स्किन संबंधी समस्याओं को भी जो है पूरी तरीके से ठीक कर देता है। आपके वीक डाइजेशन को सही करता है, आपके आंतों में अगर अल्सर की शिकायत हो रही है तो उसको भी जो है ये ठीक करता है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि आंवला यानी कि अम्बिका ऑफेंसियलिस एक बहुत ही उपयोगी दवा है। इस दवा का उपयोग अगर जो है हम लक्षणों के आधार पर करते हैं तो यह हमारे सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक तमाम रोगों को ठीक कर देता है और हमको जो है पूर्णतः स्वस्थ बनाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को जो है मजबूत करता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के वीडियो में जानकारी होम्योपैथिक दवा अम्बिका ऑफेंसियलिस के बारे में यानी कि आंवला के बारे में। तो दोस्तों, इस औषधि का उपयोग आप भी करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ दोस्तों, हम अपने बात को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके, आपको रोगों के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिले। दोस्तों, इसी साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी।